इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकेरेल इन 1896। रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेकेरेल ने डिस्कवर्ड किया था 1896 में। उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये यूरेनियम सब्सटेंस रखा हुआ है और उसके पास में एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी जो कि कागज़ में लिपटी हुई थी, बंद थी, लेकिन यहाँ से कुछ रेज निकल रही थी यूरेनियम से और फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर रही थी। तब उनको लगा कि यूरेनियम से कुछ ऐसी रेज निकल रही हैं जो इनविजिबल हैं, जिनको हम देख नहीं सकती, लेकिन पेपर को पार करने के बाद में फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर रही थी, इसलिए इनको नाम दिया हेनरी बेकेरेल रेज या बेकेरेल रेज। उसके बाद में मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने रेडियम को डिस्कवर करके जब देखा तो ऐसा रियल में होता था और उसको सेटिस्फाई किया रेडियो एक्टिविटी को, और उन्होंने इस घटना को नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस से जब कोई रेज निकलती हैं जो इनविजिबल होती है, जिनको हम देख नहीं सकते, तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो इसको डिफाइन किया गया, रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। किसी भी न्यूक्लियस अगर डिसइंटीग्रेट होता है, दैट मीन्स कुछ रेज निकलती हैं जो एटम की प्रॉपर्टीज से इंडिपेंडेंट होती हैं, केमिकल रिएक्शन से इंडिपेंडेंट होती हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। दैट मीन्स यहाँ पर पता लगा कि न्यूक्लियस से निकलने वाली इनविजिबल रेज, जिनको हम बेकेरेल रेज कहते हैं, नाम दिया गया, उसी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट होना सेल्फली, जैसा कि एग्जाम्पल है यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है। और ये जो रेज थी ये थ्री टाइप्स की थी। जब ऑब्जर्व किया गया इनको, यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया गया, ऐसा मटेरियल जिससे रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिव मटेरियल कहलाता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम यहाँ पर रखा गया। और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो देखा गया कुछ रेज ऐसी थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावी नहीं होती थी, सीधी निकल गई, डिफ्लेक्ट नहीं हुई, उनको नाम दिया गया गामा रेज। जो रेज पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, उनको नाम दिया गया बीटा रेज। और जो रेज नेगेटिव की साइड डिफ्लेक्ट हुई, उनको नाम दिया गया अल्फा रेज। तो बेकेरेल रेज थ्री टाइप्स की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा वो होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधी निकल जाती हैं। बीटा वो होती हैं जो बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अल्फा वो होती हैं जो बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट नहीं होती लेकिन होती हैं। तो दोस्तों यही थी रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई गई कि रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का खुद डिसइंटीग्रेट होना, जिससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं और वो एटम पर डिपेंड नहीं करता, केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, उसी को नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी। थैंक यू।